तो आ गए आप लोग। तो मैंने आप लोग को जैसा कि बोला था कि हम जो है अब धीरे धीरे जो है ना एक एक यूट्यूबर्स को जो है ना टारगेट करके जो है उनको एक्सपोज करेंगे हम लोग। तो एक्सपोज वाली वीडियोस देखने के लिए यार आप लोग की जो है ना डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी कि भाई इस वाले टॉपिक्स पे जो है ना आप वीडियो बनाओ। और जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं आज के टाइम पे जो है ना, मतलब क्या चल रहा है यार यूट्यूब में, आप लोग को पता ही है कि आजकल यूट्यूब में चल क्या रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है यार इस टाइम पे ना, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले लाइन पे जो है ना खलबली मची हुई है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है यार भाई। मतलब आप लोग जो है ना उन लोग को भर भर के इतना सारा, मतलब कि अब क्या ही बोलना है यार। मेरे तो मतलब बोलने से मतलब जितने भी यूट्यूबर्स को मैं शुरू से देखता था ना भाई, मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी है उसके अंदर, ऐसी बात नहीं। आज के टाइम पे जो है ना जेन्युइन भी है और कई ऐसे भी है ना जो आज के टाइम पे मतलब जो अंदर से कुछ और है बाहर कुछ और दिखा रहे हैं यार। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, किसी एक स्पेशल एक यूट्यूबर को टारगेट नहीं करूंगा। बस आप लोग को जो है ना समझना है कि आखिर मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ। आप लोग सब कुछ को जानते हैं, आप लोग को सबको पता है कि आखिर यूट्यूब में इस टाइम पे चल क्या रहा है। एक एक टाइम में होता है ना कि जब मतलब बंदा शुरू से स्टार्ट कर रहा होता है तो शुरू में उसको बर बर के जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, क्योंकि वो भाई मतलब चाहता है कि भाई वो ग्रो हो जाए किसी भी तरीके से वो यूट्यूब में, कि उसको मतलब उसका जो है ना एक नाम बन जाए अलग से। तो ऐसी बात नहीं है, मैं भी अभी जो है ना ग्रोइंग स्टेज पे हूँ और जो है आप लोग का काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा रिस्पांस आता है, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग भी जो है ना बर बर के प्यार देते हो, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जो है ना मतलब कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, पीठ पीछे कुछ और बता रहा है, सामने कुछ और बोल रहा है। तो मतलब जेन्युइन चीज़ें वो बंदे आज के टाइम पे कुछ भी नहीं बता रहे यार। मतलब वो चीज़ क्या कर रहे थे और आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है किसी से। और जो ऑडियंस है ना वो भी जो है ना बेवकूफ़ बने जा रही है यार। उनके जो कमेंट सेक्शन में जब पढ़ता हूँ ना तो वहाँ पे लिखा होता है सर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ गया है, सर आप बदल चुके हो, सर आप पहले जैसे नहीं रहे, सर आपकी जो वीडियोज़ है मैं आप जो वैसा दम नहीं है। पर जो है ना लोग तो देख ही रहे हैं ना, फिर भी बताओ यार आप लोग तो देख ही रहे हैं फिर भी उनको। तो अब आप लोग बताओ गलती इसमें किसकी है यार, हमारी गलती है या फिर आप लोग की गलती या फिर उसकी गलती है। तो गलती जिसकी भी है ना तो आप लोगों को जो है ना ध्यान में रखनी चाहिए ये सब बातें, कि यार जो मतलब शुरू में कैसे होते हैं और वो बंदे बाद में कैसे हो जाते हैं, किसी को कोई भरोसा नहीं है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि तू कौन होता है भाई ऐसा बोलने वाला। भाई डिमांड आप लोगों ने ही किया था कि भाई इसको ऐसा टारगेट करो, उसको एक्सपोज करना है, मतलब एक तरीके से बोले जाए तो कंट्रोवर्सी टाइप ये होने वाली है। अगर कल को अगर उनकी ऑडियंस अगर ये वीडियोस देख लेती है, भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार अब आप लोग की डिमांड ही ऐसी है कि भाई आप लोग को अब मुझे तो पूरी करनी है डिमांड। पर सच बता रहा हूँ यार मैं, आप लोग भी जो है ना बिल्कुल सच्चे हो यार, और आप लोग बिल्कुल सच बोल रहे हो कि भाई हाँ बंदे आज के टाइम पे बहुत कुछ कर रहे हैं यूट्यूब में। एक तरीके से तहलका मचा हुआ यार, शुरू में बंदे कहाँ थे और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और वो भी जो है ना आप लोग का बेवकूफ़ बना के यार। और आज के टाइम पे तो बिल्कुल मतलब ऐसा बोल के चलो कि यार मतलब कुछ भी नहीं है। वो शुरू में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, ऐसा वैसा लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से जो है ना वो ग्रो होते थे यार। और आज के टाइम पे देखेंगे ना कहाँ से मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर में वो पहुँचे हुए। और आज के टाइम पे देखें ना शुरू में जो है ना उन लोगों के पास मतलब ऐसी गाड़ी होती थी जिनका कोई वो ही मतलब ही नहीं था यार, कोई सेंस ही नहीं बनता था कि भाई हाँ बंदा कभी इसके बारे में कोई बुराई भी करेगा। और आज के टाइम में बताऊँ ना मैं, वो बंदे खुद जो है ना यार सेफ्टी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज देखें ना वो मतलब खुद जो है ना अनसेफ गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं यार। अब आप लोग खुद ही बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन ही करता होगा यार। इतना पैसा है कि भाई आज वो कोई और गाड़ी ले रहे हैं, अब कल कोई दूसरी गाड़ी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके मन में कन्फ्यूज़न आ गया है। बताइए अब आप लोग यार, बंदे इतना ज़्यादा देख रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आखिर क्यों यार। आप लोग जो है ना एक मिडिल क्लास जो बंदा होता है ना भाई, वो कैसी गाड़ी लेना चाहता है यार बताओ। अब आप लोग जो है उनको देख के ऐसा सोचते हो कि भाई हम भी काश ऐसे होते, तो आप लोग भी ऐसे हो सकते हो यार। बस आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है, वो जो बंदे हैं ना आप लोग के दिमाग के साथ खेल रहे हैं यार। आप लोग को बड़े बड़े वो चीज़ें दिखा रहे हैं भाई, हाँ आज हम ये गाड़ी में, आज वो कहीं दूसरे शोरूम में जा रहे, कभी दूसरे शोरूम में जा रहे, कभी किसी कंपनी के पास, कभी किसी कंपनी के पास, इतने का बजट बना रहे। और वो गाड़ी ले भी रहे हैं ना, उसके कुछ महीनों के बाद चलाने के बाद बस वही बात फिर से सामने आ जाती है कि भाई हाँ हमारे को ये गाड़ी ऐसी दिक्कत दे रही है, वैसी दिक्कत दे रही है। अब बाहर से काम कराइएगा तो गाड़ी में दिक्कत तो आइएगा ना, तो बताइए आप लोग यार। और आप लोग भी ऐसे ऑडियंस है कि यार उनके बातों में आ जाते हो, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो उन लोगों को। प्यार देना गलत बात नहीं, प्यार दिया करो यार। पर जो कई ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं ना जो बहुत ही अच्छी चीज़ें बता रहे हैं और उन पे जो है ना कोई भी ध्यान नहीं देता यार। अब जो हम किसी और के बारे में बात करें तो हमारे को आप लोग ऐसे कमेंट करने लग जाते हैं कि यार तू उसके नाम से जो है ना अपने आप को ग्रो करना चाहता है, उसके नाम से तू व्यूज छापना चाहता है। भाई ऐसा ही होता तो हम यार शुरू से ही कर रहे होते ना। अब हमारी ऑडियंस है यार, अब हमारी ऑडियंस का तो जो डिमांड है अब उसकी डिमांड को तो पूरी करनी पड़ेगी। तो बताइए आप लोग, इतना ज़्यादा पैसा है तो यार कभी किसी को दान ही कर दो है। किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ। यार शुरू में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे यार आप, अब क्या हो गया आपको,
अब क्यों कर रहे हो ऐसा यार, एक गाड़ी ले रहे हो दूसरी की उसकी बुराई कर रहे हो फिर उसको बेच रहे हो, फिर यार तीसरी गाड़ी ले रहे हो फिर उसकी बुराई कर रहे हो फिर उसको भी बेच रहे हो आप लोग, बताइए। आप लोग को ऑडियंस ने इसीलिए थोड़ी ना यार आप लोग को इतना प्यार दिया था कि भाई आप दो गाड़ियाँ लेते रहो गाड़ियाँ लेते रहो यार, बताओ आप लोग। अगर कोई बंदा आपको देख के पहले शुरू में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज वाले वीडियो बनाते थे, और आज के टाइम पे देखो तो यार उनको गाड़ियाँ सिलेक्ट नहीं हो रही है अपनी कि कौन सी गाड़ी लेनी है, कोई कौन सी गाड़ी ले रही है, कोई कौन सी गाड़ी ले रहे, मतलब कोई पता ही नहीं है यार किसी को। और आप लोग जो है भर भर के प्यार दे रहे हो भाई, बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा छाप रहे हैं, और आप लोग उनको देखे जा रहे हैं भाई, वो चाहे तो ना भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग क्या करोगे बताओ, एक गाड़ी आप लोग ले नहीं सकते हो, अगर आप लोग को आप लोग उसकी बुराई देखने लग जाओगे तो आप लोग से वो भी आप लोग से फिर मतलब कैंसिल ही कर दोगे एक टाइप से यार उस गाड़ी को भी। क्या भाई मतलब बोलना क्या चाह रहे हो, समझ क्या रहे हो यार आप लोग, बताओ अपने आपको यार, जो चीजें है उसको बताते नहीं है आप लोग यार, और ऑडियंस के मन में और उलटपटांग बातें आप लोगों ने रख देनी है कि भाई ये गाड़ी दिक्कत आ रही है हमारे को। भाई एक बंदा जो है ना, एक जो है अपना बजट तैयार करता है, उस बजट को देखते हुए बंदा जब रिव्यू देखता है ना उसका, तो मन करता है उसका भी क्या बंदा अच्छी चीजें बताएगा, नहीं भाई हम तो बुरी चीजें बताएंगे, क्यों बताने यार बुरी चीजें बताओ आप लोग। बुरी चीजें आप लोग को इसलिए बताई जाती है ना क्योंकि उनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि वो दूसरी गाड़ी लेने के लिए जगह नहीं है अब उनके पास, तो बुराई करेंगे तो बेचेंगे ही वो गाड़ी को यार, बताओ आप लोग। अब हम जैसे जो लोग है ना, अब हम जो है ना अब ग्रोइंग स्टेज पे है, आप लोग देख ही सकते हैं कि यार अब आप लोग जो है ना इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, और अभी जो है ना हम भी इतना आगे पहुंच चुके, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जो भी मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं सोचना कि हम भी जो है ना अच्छी बातें करते हैं और हमारे पे किसी का ध्यान ही नहीं होता है यार, बताओ आप लोग। आप लोग चले बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे हैं यार, अब हमारी बातों पे कौन ही ध्यान देगा बताओ, कोई ध्यान नहीं देने वाला किसी पे, बस सब बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी, उन लोगों का मन करे तो वो पूरे इंडस्ट्री ले ले किसी टाइम पे। क्या आप लोग ले सकते हैं यार, एक मिडिल क्लास फैमिली बंदा ले सकता है यार चार चार पांच पांच गाड़ियां, बताइए, कभी नहीं ले सकता यार वो। तो ऐसे रिव्यूज दो ना यार जो बंदा उसको गाड़ी ले ले उसके बाद उसको पछतावा ना हो। आप लोग गाड़ी ले रहे हो और आप लोग को देख के वो बंदे मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा भी वो गाड़ी को ले लेता है, अब बाद में पता चलता है वो रोने लग गया, भाई सर आपकी वीडियो देखी थी हमने, सर आपने तो इसके बारे में ऐसा बताया था, सर हमारे को तो इतनी इतनी दिक्कतें आ रही है, सर आपने उसके बारे में बुराई बुराई बताती, सर हमारे को तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, बताइए अब आप लोग। तो ऐसे यूट्यूबर्सों के पीछे मत पड़ो यार आप लोग, अगर आप लोग पढ़ना भी चाहते हैं चलो अच्छी बात है यार, बंदे काफी ज्यादा मतलब उन लोगों ने भी काफी ज्यादा मेहनत किया और वो आज यहाँ तक इस लेवल तक पहुंच रहे हैं कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, पर यार कम से कम एटलीस्ट अपने जनता को तो देखो ना यार, वो चार ही क्या है। कमेंट सेक्शन में जाओगे यार किसी का कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई आप लोग को कोई कुछ बोल रहा है तो आपने सुनना नहीं है उनकी बातों को, तो अपनी ऑडियंस का भी ख्याल रखना जरूरी है यार। आप लोगों को व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं ऐसी बात नहीं, आपके सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा होंगे ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है आप लोगों के, तो अपने ऑडियंस का ख्याल रखना भी तो आप लोग का फर्ज बनता है यार। उनको क्या चाहिए, उनको कैसी गाड़ियां चाहिए, उनको किस बजट में कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी, वो सब कुछ नहीं बता के यार आप लोग चले भाई, अपने अपने आप लोग को अपने ही पड़ा हुआ यार, बताओ आप लोग। एक चैनल दो चैनल तीन तीन चार चार पांच पांच चैनल खोले हुए एक ही बंदे ने, वो कितना पैसा छाप रहे है, और एक मिडिल क्लास वाला फैमिली बंदा यार सालों साल पैसे बचाएगा और वो एक गाड़ी लेने के लिए भी हजार बार सोचेगा। तो ऐसे यूट्यूबर्स के चक्कर में आप लोग को नहीं आना है, अगर आप लोग आना भी चाहते तो ऐसे भी बंदे बहुत सारे है यार इस टाइम पे ना यूट्यूबर यूट्यूब में, कि बहुत सारे अच्छे अच्छे जो वीडियोज बना रहे हैं रिव्यूज दे रहे हैं अच्छे अच्छे गाड़ियों के, और आप लोग उनको नहीं देख के बड़े 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 यूट्यूबर्स को ही देखना है यार आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने ठान के रखा कसम खा लिया कि आप लोग जो है ना उन्हीं के पीछे पड़ेंगे। तो अब यार मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, अब आप लोग समझ गए होंगे कि यार मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो एक एक पर एक पर्सन को जो है ना टारगेट नहीं कर सकता यार मैं, क्योंकि यार फिर आप लोग को पता है फिर यार अच्छा नहीं रहता वो सब कुछ भी, तो आप लोगों का डिमांड था कि भाई इसको एक्सपोज करना है उसको एक्सपोज करना है, अभी धीरे धीरे हम बहुतों को एक्सपोज करेंगे। अगर मुझे नाम लेना हो तो नाम लेना होगा ना भाई, तो मैं नाम लेके भी अपना चैनल को ग्रो कर सकता है यार, आप लोग देख ही रहेंगे कितने सब्सक्राइबर्स है इस टाइम पे मेरे पास, तो मेरी जो ऑडियंस मुझसे प्यार करती है ना तो मैं तो उनकी डिमांड को पूरा करूंगा। पर मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ कि एक बंदे का मैं नाम नहीं ले सकता, जो भी है आप लोग समझ गए होंगे किस किस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आगे भी जो है ना मैं ऐसी और भी जो है ना एक्सपोज वाली वीडियो लेके आऊंगा, इससे बस क्या चीज होगी यार, इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी होगी। अब फिर उनके जो जो है ना बंदे जो है उनके समझ जाओ यार आप लोग जो भी है ना ठीक है, उनके ऑडियंस मेरे पास आए के बोलेंगे यार तू अब जो है ना इनके नाम पे व्यूज छापने लग रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा नहीं होता है। हम जो चीजें है ना जो जेन्युइन चीजें उसी को ही बता रहे हैं यार आपको, और आप लोग जो है अपने को उल्टे ही बोल रहे कि यार भाई तू उसके नाम से पैसे पैसे मतलब पैसे क्या यार मतलब सब्सक्राइबर गेन करना चाहता है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आप लोग को इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, बस आप लोग ऐसा करो कि यार जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है ना, जो बंदा एक बजट लेके आता है, उस पर उस गाड़ी को सही गाड़ी सजेस्ट करो। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई सजेस्ट करो उसको वही गाड़ी। अब बंदे यार मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि यार भाई सर ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं और आज के टाइम पे वो कुछ और कर रहे हैं, आप बाहर कुछ और होता रहता है अंदर कुछ और दिखा रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता यार अपनी ऑडियंस के साथ। हो सकता है आज आप लोग इतना ऊपर पहुंचे तो आप लोग को नीचे आने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा यार, इसलिए अच्छी बात है। बताओ तो कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बता देना, एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इसी बात पे जाओ फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसी धमाकेदार जो वीडियोस है ना आगे भी आते रहेंगे। और जल्दी जल्दी जाओ यार सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ठीक है। तो फिर मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे। यही बोलना चाहूंगा कि यार फालतू की वीडियोज आप लोग यूट्यूब पे मत देखो, जो जेन्युइन चीज है ना उसको देखो, चाहे आप लोग को ज्यादा टाइम भी लग जाए कोई बात नहीं, बस आप लोग को जेन्युइन चीजें देखनी है और आप लोग को खुद एक्सपीरियंस करना है। बाद में बोलता हूँ मैं, जो गाड़ी आप लोग लेना चाहते हैं ना उसके बारे में खुद एक्सपीरियंस करो, उसके बाद ही आप लोग को जो है ना एक फैसला आप लोग ले सकते हैं खुद ही कि हाँ भाई ये गाड़ी अपने लिए कैसी है कैसी नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं मिलूंगा आप लोग को कैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।